कुछ क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इनकी हमने जो डायमेंशन है वो फाइंड की थी। इस प्रकार से देयर आर लॉट मेनी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन निकालने को आता है, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन आपको फाइंड करनी है, असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी की हो जाएगी डायमेंशन एम एल माइनस सी, ठीक है। फिर एक क्वांटिटी होती है लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, तार होती है जैसे वायर है, ठीक है, उस वायर की लेंथ पे मास फैला हुआ है, तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो गया मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं एम अपॉन एल, ठीक है। सो दिस लीनियर मास डेंसिटी, इसके डायमेंशन हो जाएंगे एम एल माइनस वन। एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सो फोर्स अपॉन एरिया, इसके डायमेंशन हो जाएंगे, प्रेशर के डायमेंशन ही होंगे इसमें एम एल माइनस वन पी माइनस टू, ठीक है। एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये लेंथ अपॉन लेंथ है, दिस इज लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या होगी, ये तो रेशियो होगी, इसमें तो कोई डायमेंशन ही नहीं आएगी, तो ऐसी क्वांटिटीज की भी डायमेंशन कैसे देंगे आप, ठीक है। इसको हम सिंपल लिखते हैं एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है स्ट्रेस, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे एप्सिलॉन से, या कोई भी सिंबल आप लिख सकते हैं, स्ट्रेन खुद भी लिख सकते हैं आप, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। फिर एक क्वांटिटी होती है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये पूरा चैप्टर है आगे, सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक क्वेश्चन में इसका जिक्र आएगा तो उसमें हमें इसको यूज करना है। इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी represented by y and this is equal to stress upon strain, अब क्योंकि strain जो quantity है वो dimensionless quantity है, तो Young's modulus के जो dimensions होंगे वो stress वाले ही होंगे, तो in other words y this is Young's modulus which is equal to m 1 l minus 1 p minus प्रेशर वाले ही होंगे इसके डायमेंशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें आती हैं बीच में। फिर एक क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो फ्लो होती है चीजें उस पर आते हैं।
coefficient of viscosity, मतलब किसी भी लिक्विड के बहने की एबिलिटी, कितना वो बह आसानी से बह सकता है। अगर लिक्विड पतला है, पानी एकदम से बह जाता है, ठीक है, थोड़ा ऑयल ले लो, ऑयल थोड़ा थिक होता है, थोड़ा धीरे से बहता है, ठीक है, उसके बाद और गाढ़ा ऑयल ले लो या ग्लिसरीन ले लो और स्लो जाएगी, ठीक है, शहद ले लो, शहद को देखा होगा आपने, बहुत स्लो गिरता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लिक्विड की फ्लोएबिलिटी कम होती जाती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, तो जो ज्यादा जो लिक्विड ज्यादा विस्कस है वो धीरे स्लो कर धीरे फ्लो कर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसको कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेस लिक्विड पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट जो उसमें डिफॉर्मेशन आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है, ठीक है, उसको स्ट्रेन रेट कहते हैं। तो स्ट्रेन खुद तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रेट का मतलब अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है, स्ट्रेन रेट मींस स्ट्रेन पर यूनिट टाइम। और मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें तो जो ये डिनोमिनेटर में क्वांटिटी और डिनोमिनेटर में आती है वो फिर ऊपर चली जाती है। सो दिस इज स्ट्रेस इनटू टाइम। तो ईटा की जो यूनिट वो होंगे, डायमेंशंस होंगे, स्ट्रेस के डायमेंशंस क्या होंगे, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू इनटू टाइम क्या होगा टी, तो हो गया आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सो दीज आर द डायमेंशंस फॉर विस्कोसिटी दैट इज ईटा। ये चीजें समझ में आई? यस सर, यस सर। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो आगे आएंगी जैसे जैसे चैप्टर कवर होंगे, ठीक है, मगर अभी जो हमें डायमेंशनल एनालिसिस में क्वेश्चन समय जो यूज करने हैं, जो बीच में आएंगे क्वेश्चन, उनके अंदर इनकी रिक्वायरमेंट आएगी तो उनको हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या कहते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के जो यूनिट्स हैं वो होमोजेनियस होंगे। यदि किसी भी एक्सप्रेशन में एक क्वांटिटी के यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट के हैं तो दूसरा चौथा जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारे डिस्प्लेसमेंट के ही यूनिट्स उसमें आएंगे। अगर एक क्वांटिटी के यूनिट्स वेलोसिटी के हैं तो बाकी टर्म्स के भी सबके यूनिट्स जो है वेलोसिटी वाले ही होंगे। तो इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक भी टर्म के यूनिट्स बाकी टर्म्स के यूनिट्स से अलग आ रहे हैं तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस एक्सप्रेशन। सो दिस एक्सप्रेशन डू नॉट स्टैंड डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, तो हम उसको डायमेंशनल बेसिस पर हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, दिस इज नॉट ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो बोलता है, वन सेज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस आर एंड हाइट है is given by pi r cube h, volume is given by pi r cube h, इस relation से दिया जाता है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या गलत, how will you prove it और how will you disprove it। तो इसको disprove करने का हमारे पास एक ही तरीका है, हम इसकी dimensional analysis करेंगे, we look into this dimensionally and by looking into this dimensionally we can only say whether it is correct or wrong, not पाई पता है हमें क्या होती है, पाई इज अ कॉन्स्टेंट, इट्स अ प्योर नंबर, सो पाई हैज नो
डायमेंशंस, तो हम इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ वॉल्यूम की जो डायमेंशंस होती है दैट इज एल क्यूब, पाई को ड्रॉप कर देंगे, आर क्यूब मींस लेंथ क्यूब, हाइट अगेन लेंथ, दिस इज एल। अब यहाँ पे एल क्यूब है और यहाँ पे एल की पावर 4 है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। Yeah, these are not equal. When these are not equal, we say that this formula has discrepancy. So, kuch gadbad. This formula is wrong. So, this is disproved. ठीक है? फिर पूछता है, what is difference between dimensional formula and dimensional equation? Dimensional formula एक simple expression होता है. खाली इसको देखेंगे तो dimensional formula. मगर जब equal to के साथ हम किसी के साथ इसको equate कर रहे हैं, तो ये पूरी एक dimensional equation बन जाती है. This is called dimensional equation. ठीक है, फिर कहते हैं find the dimensional formula for momentum and angular. And given by mass into velocity. Momentum is given by mass into velocity. So dimensions of momentum will be mass is m. Velocity is L T minus 1. So that becomes the dimensions of momentum. Then angular velocity. Angular velocity को हम represent करते हैं omega से. That is angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी एज द नेम स्टेट्स एंगल कवर हो रहा है, कोई बॉडी रोटेट हो रही है और उसमें एंगल कवर हो रहा है किसी स्पीड से, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ओमेगा क्या हो गया मेरा, this omega is equal to theta upon t. Now theta is an angle, theta is an angle which is always taken in radians, theta is an angle which is always taken in radians. So radian as such ki koi dimension nahi hoti, radian is a pure number, angle is a pure number and it is ratio of two lengths l upon r, so it has no dimension. Theta is a dimensionless quantity, so dimension kiski bachi fir, khali time ki bachi. So this is equal to 1 upon t or t power minus 1. So it is per second. Dimensions of angular velocity is per second. Or per second, hame pata hai frequency ki bhi dimensions hoti. Per second frequency bhi hoti. To isko hum angular frequency bhi kehte hain. This is angular frequency. इसकी डायमेंशंस पर सेकंड, इस प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी की आप डायमेंशंस बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक डायमेंशनली द फॉलोइंग इक्वेशंस, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, ये एल बाई जी इसको 1 बाई जी नहीं पढ़ना है, एल बाई जी पढ़ना है, और जो बी पार्ट है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 ए एस, ठीक है, ये आप कर देना, लास्ट क्लास में हमने इसको किया था। सिक्स में है शो दैट द रिलेशन between distance, velocity and acceleration and time t is given by s is equal to ut plus half a t square. ये भी हमने last class में check की थी, ठीक है, और ये dimensionally correct है, आप इसको लिख के करके दिखाएंगे उसमें।